परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय, वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशय वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों परम पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं की चरण शरण में रहकर जो कुछ भी ग्रहण और अंगीकार कर पाया उसी के आधार पर अपने यत किंचित से शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष कुछ अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता हूँ। कल से चातुर्मास काल प्रारंभ हुआ है। मुनिजन चातुर्मास में 4 महीनों की अवधि के लिए एक ही जगह पर रहते हैं और जिसे शास्त्रीय परिभाषा में टर्मिनोलॉजी में चातुर्मास की संज्ञा और नाम दिया जाता है। चातुर्मास की परंपरा जैन परंपरा में आज भी लगभग उसी रूप में प्रचलित है और 4 महीनों की अवधि के लिए मुनिजन साध्वीवृंद एक ही जगह पर रहकर साधना करते हैं और धर्म प्रचार करते हुए जिन वाणी के प्रचार प्रसार से सुप्त आत्माओं को जागृत करने का बोध देने का प्रयत्न करते हैं। कई जगह चातुर्मास होते हैं और जहाँ पर चातुर्मास नहीं भी होते वहाँ के लोग भी जिन स्थलों पर चातुर्मास होते हैं वहाँ पर आकर धर्म लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। साधु साध्वियों के दर्शनों से और उनके माध्यम से जिनेश्वर प्रभु की वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त करते हैं। चातुर्मास सूचियाँ प्रकाशित होती हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि कहाँ कहाँ साधुवृंद अपना चातुर्मास व्यतीत करने के लिए विराजित हैं और सिर्फ उस नगर के आसपास के लोग नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी उन स्थानों पर पहुंचकर इन 4 महीनों की अवधि में कुछ धर्म लाभ धर्म प्रेरणा अंगीकार और ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। आत्म कल्याण जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य उद्देश्य और ध्येय है किंतु आत्म कल्याण की बातें करने मात्र से कुछ भी बनने बनाने वाला नहीं है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को अपने जीवन में धारने और उतारने की महती आवश्यकता और अपेक्षा रहती है। इनमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र जो मनीषियों और विचारकों के द्वारा बताया गया है वह है गुरु पर्युपास्ति। गुरु शब्द की अनेक व्याख्याएं और अनेक परिभाषाएं डेफिनेशंस की जा सकती हैं। व्याकरण शास्त्र ग्रामर की दृष्टि से 2 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ए, ई और उ ये तीनों ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ तथा औ इन सभी को दीर्घ स्वर माना जाता है और व्याकरण शास्त्र में दीर्घ स्वरों को गुरु की संज्ञा और उपमा दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में गुरु का मतलब दीर्घ और से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति जुपिटर नाम का एक ग्रह है जिसे गुरु ग्रह कहा जाता है और इसकी महादशा पूरे 16 वर्षों तक चलती है और यह अतिशय प्रभावशाली ग्रह है। कुंडली के सारे ग्रह अगर दूर स्थानों पर पड़े हुए हों और उनका विशेष बल और शक्ति ना हो किंतु गुरु यदि बलवान हो और शुभ स्थानों पर विशेषतः लगन स्थान पर केंद्र में पंचम विद्या भाव में अथवा नवम भाग्य स्थान पर बैठा हो तो यह व्यक्ति के जीवन में राजयोग उत्पन्न करता है और उसे 9 निधियां 12 रिद्धियां सिद्धियां
प्रदान करने में सक्षम और समर्थ होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में दीर्घ स्वर को गुरु नहीं माना गया, बल्कि बृहस्पति जुपिटर ग्रह को गुरु की संज्ञा और उपमा दी गई है। अब हम तीसरे संदर्भ और परिपेक्ष में गुरु के संदर्भ में कुछ विचार करने का प्रयत्न करते हैं। धर्म शास्त्र धर्म ग्रंथों की अपेक्षा और दृष्टि से धर्मोपदेशक प्रीचर रिलीजियस टीचर को ही गुरु कहा जाता है, जो धर्म विषयक बोध देता है, धर्म के विषय में पढ़ाता है, सिखाता है और समझाता है, उसे गुरु माना जाता है। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि व्याकरण की दृष्टि से गुरु का मतलब कुछ और है, ज्योतिष शास्त्र में इसका कुछ और मतलब गूढ़ार्थ और निहित छिपा हुआ अर्थ और मतलब रहता है। किंतु आज हम यहाँ गुरु शब्द को इस तरह से टेकअप कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य और आशय आध्यात्मिक विवेचन है और इसी विषय को लेकर हम आगे कुछ विशेष परिचर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। पर्युपास्ति इस शब्द में परि और उप दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। परि का अर्थ है समन्तात यानी चारों ओर से, उप का मतलब है नजदीक और अस्थि का मतलब आप जानते ही हैं रहना, यदि चारों ओर से समीप और निकट रहना, किसके नजदीक किसके निकट रहना यह भी बताया गया है। गुरु पर्युपास्ति यानी अगर व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहता है तो किसी दूसरे के नजदीक निकट रहने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक और जीवन का निर्माण करने वाली उस अध्यात्म विभूति के सानिध्य में उसके सन्निकट और उसकी चरण शरण में रहकर ही अपने जीवन के लक्ष्य और ध्येय को प्राप्त करना मुमकिन और संभव हो सकता है। अपने चरम चक्षुओं फिजिकल आईज भौतिक नेत्रों और आँखों के द्वारा हम इस दुनिया को फिजिकल वर्ल्ड और संसार को देख सकते हैं, किंतु जिन ज्ञान नेत्रों के द्वारा हम अपनी अंतरात्मा का दीदार दर्शन कर सकते हैं, जिसको देखने में सक्षम हो सकते हैं, उन अंतर चक्षुओं और अंतर नेत्रों को उघाड़ने और खोलने में गुरु के अलावा और कोई भी सशक्त और समर्थ नहीं होता। बंधुओं, जिस तरह घोर अंधेरे में निबिड़ अंधकार में पिच डार्कनेस में व्यक्ति को कुछ भी कोई भी वस्तु कोई भी आर्टिकल और पदार्थ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, अपने हाथों के साथ लगी हुई अंगुलियां जो उसके बिल्कुल नज़दीक हैं वे भी उसे नज़र नहीं आती, दृष्टि गोचर नहीं होती, उसी तरह ज्ञानमयी नेत्रों के अभाव में अज्ञान रूपी अंधेरे में व्यक्ति अपनी आत्मा के निजी गुणों पर्सनल क्वालिटीज को भी कदापि पहचान नहीं पाता, रिकॉग्नाइज करना उसके लिए मुमकिन पॉसिबल और संभव नहीं होता, वह यह भी नहीं जान पाता कि उसके लिए क्या है और क्या उपाधेय है, क्या छोड़ने योग्य और क्या ग्रहण करने योग्य है, इसका उसे कोई बोध और कोई विवेक नहीं हो पाता। जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, बंद क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है, इन सब बातों को जानने और समझने के लिए गुरु की आवश्यकता और जरूरत पड़ती है, और केवल गुरु ही अपने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अपने शिष्य के अंतर चक्षुओं अंतर नेत्रों को इतना ज्योतिर्मान प्रकाशवान और रोशनी से युक्त बना देते हैं कि वह इन सारे तत्वों का साक्षात करने में इन्हें देखने और समझने में सक्षम और समर्थ हो जाता है। हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में मानव को तीन तत्वों एलिमेंट्स को पहचानने और समझने की प्रेरणा दी गई है, और वे तीन तत्व हैं देव गुरु और धर्म।
इन तीनों में मध्य स्थान यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुरु को दी गई है, क्योंकि गुरु ही देव और धर्म की पहचान कराते हैं। किस तरह इनकी पहचान कराते हैं इसे आप बखूबी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि गुरु ही हमारे अंतःकरण पर पड़े हुए अज्ञान के पर्दे आवरण और कवर को हटाते हैं। और जब अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है तो अंतर आत्मा का ज्ञान सहज स्वतः प्रस्फुट हो जाता है, और इसके आलोक में व्यक्ति अपने कर्तव्य आकर्तव्य करणीय आकरणीय किए जाने योग्य और ना किए जाने योग्य को अच्छी तरह से समझ लेता है, हृदयंगम कर लेता है। इसीलिए तो किसी कवि ने भी अपना एक सुंदर दोहा इस बारे में कहा है, लोभी गुरु तारे नहीं, लोभी गुरु तारे नहीं, जो तारे सो तिरनहार, जो तू तिरनो चाहिए निर्लोभी गुरु धार। हे मानव, अगर तू इस भव समुद्र संसार सागर से पार होना चाहता है तो तुझे सच्चे गुरु की खोज तलाश और सर्च करनी चाहिए। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए जो स्वयं तो इस भव समुद्र और संसार सागर को तैर करके पार हो जाने में सक्षम और समर्थ हो, और अपने साथ ही दूसरों को भी पार उतारने में पार ले जाने में सक्षम और समर्थ हो, यानी खुद भी इस भव सागर को लांग कर पार हो जाए और अपने दिव्य उपदेश और मार्गदर्शन के द्वारा अपना अनुगमन अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों और भक्तों को भी इस संसार सागर से पार उतार दे। बंधुओं, गुरु के सिखाए बिना कोई भी विद्या कदापि किसी सूरत और किसी भी दशा में प्राप्त और उपलब्ध नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति गुरु के चरणों में आए बिना, गुरु का सानिध्य हासिल किए बिना बहुत से तत्वों का ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने में कदापि सक्षम और समर्थ नहीं हो सकता। जब तक गुरु का संपर्क और समागम ना किया जाए, गुरु की सेवा शुश्रूषा और भक्ति ना की जाए, और सेवा करते हुए अनेक कष्टों और तकलीफों को बर्दाश्त ना किया जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति महापंडित और महाविद्वान हरगिज भी नहीं बन सकता है। जब तक गुरु के चरणों में आकर उनका सानिध्य और उनका पावन मंगलकारी उपदेश ग्रहण नहीं किया जाता, और जब तक गुरु के मुखारविंद से, गुरु के माध्यम से अक्षरों को पहचानने और पढ़ने का प्रयत्न ना किया जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा और विषय को समझने में कदापि सक्षम और समर्थ नहीं हो सकता। उसके लिए काला अक्षर भैंस के मानिंद और भैंस के समान होता है। उर्दू लिपि में अनेक प्रकार की आड़ी टेढ़ी और तिरछी रेखाएं होती हैं, और ऊपर अनेक प्रकार के अनुस्वार और बिंदु दिए होते हैं, किंतु वे व्यर्थ और फिजूल नहीं होते। उनका कुछ ना कुछ मतलब मीनिंग और अर्थ होता है, किंतु उसे जानने के लिए विशेष परिश्रम पूर्वक मेहनत और अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर व्यक्ति उसका मतलब और अर्थ समझने में सक्षम और समर्थ हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु का महत्वपूर्ण और अनिर्वचनीय स्थान रहता है। गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। भगवान परमेश्वर और परमात्मा से पहले गुरु के चरणों में प्रणाम और नमस्कार करना आवश्यक बताया गया है। इसलिए तो कबीर जी भी अपने एक दोहे में यही भाव अभिव्यक्त करते हैं, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु की कृपा गुरु का आशीर्वाद होने पर ही परमात्मा के साथ अपने दिल की तार जोड़ी जा सकती है। मानव अगर
परमात्म पद को प्राप्त करना चाहता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की आकांक्षा, हसरत और अभिलाषा रखता है, तो उसके लिए गुरु की शरण और ऐसिलम में जाना अवश्यम भावी और अनिवार्य होता है। गुरु के अलावा और कोई भी शक्ति उसे ऐसा करने में सक्षम और समर्थ नहीं बना सकती। जैसे कुदाल और फावड़ी से खोदकर मनुष्य पाताल के जल को प्राप्त करता है, इसी तरह गुरुगत विद्या, गुरु की सेवा, शुश्रूषा, भक्ति और उपासना करके ही प्राप्त की जाती है। यथा खनन खनित्रेन भूतले विंदति वारिम, चाणक्य नीति में चाणक्य आचार्य ने भी कहा है कि जिस तरह स्पाइक, फावड़े और कुदाली से पाताल के जल को खोद खोद कर बाहर निकाला जाता है, तथा गुरुगत विद्या शुश्रूषर अधिगच्छति, इसी प्रकार गुरुगत विद्या, गुरु की सेवा, शुश्रूषा, भक्ति और उपासना करके ही हासिल और प्राप्त की जा सकती है। घर को छोड़कर गुरु की सेवा में रहने से अनेक कष्ट और अनेक तकलीफें, हार्डशिप्स उठानी पड़ती हैं, किंतु जो गुरु की सेवा में हमेशा निरत, तल्लीन और तन्मय होकर रहता है, उसे कोई कष्ट, कोई तकलीफ, मुसीबत और संकट महसूस नहीं होती। गुरु ही जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शक और कलाकार होता है। जैसे मूर्तिकार बिना घड़े हुए पत्थर में से भगवान की मूर्ति तराशता है, उसी प्रकार गुरु जीवन को सुसंस्कारित करके उसे महानता के शिखरों और टॉप पर आरूढ़ कर देता है, और व्यक्ति जन जन की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन जाता है। इस संबंध में किसी कवि ने कहा है, गुरु कारीगर सारिका टांची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा करे पूजा लय अपार। गुरु जीवन के दोषों को रिमूव और दूर करके, जीवन को गुणों से युक्त करके व्यक्ति को पूजा और अर्चना के योग्य बना देता है। व्याकरणिक दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से गुरु शब्द दो शब्दों का संयोजन मात्र है। गु रु अर्थात गुरु वह है जो अज्ञान रूपी मानसिक अंधेरे को दूर करके जीवन के कण कण को ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वल, दीप्यमान और प्रकाशमय बना देता है। वैसे तो प्रत्येक लौकिक क्षेत्र में भी गुरु की आवश्यकता रहती है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में गुरु की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व उस मार्ग का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, और वह ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। अगर उस कठिन फिसलन वाले मार्ग पर, रास्ते पर आगे बढ़ते हुए व्यक्ति का चित्त अस्थिर, डामाडोल, शेकिंग और वेवरिंग हो जाए, तो उस समय गुरु ही इसे स्थिर, सुदृढ़ और मजबूत करते हैं। गुरु शिष्य की सोई हुई आत्मिक शक्तियों को जागृत करके उसे अपने साधना के पथ पर, रास्ते पर दृढ़ता पूर्वक, मजबूती के साथ खड़े रहने के योग्य और काबिल बना देता है। किंतु जीवन में जहाँ गुरु को धारण करना आवश्यक है, वह सच्चे गुरु के वास्तविक स्वरूप को जानना भी अत्यंत आवश्यक, जरूरी, इनएविटेबल और अपरिहार्य है। जैन धर्म ने कहा है कि सच्चा गुरु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट की साक्षात साकार प्रतिमा होता है। गुरु के संबंध में इस प्रकार से कहा गया है, पंचिंद्रिय संवरणो तह नवी बम्बचेर गुत्ती धरो, चौवीय कसाय मुको ई अठारस गुनेहिंग संजुत्तो, पंच महव्य जुत्तो पंच विहायर पालन समत्थो, पंच समियो ती गुत्तो 36 गुनो गुरु मध्यम। गुरु पांचों इंद्रियों का, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय का विजेता, नौ प्रकार से अखंड, पूर्ण ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी का
पालन करने वाला अपने चरित्र और सदाचार रूपी बहुमूल्य रतन को किसी भी प्रकार से कोई दोष ना लगाने वाला विशुद्ध और अखंड ब्रह्मचर्य का जीवन की हर परिस्थिति में अक्षरशः पालन करने वाला चतुर्विध कषायों क्रोध मान माया और लोभ इन चारों से मुक्त पांच महाव्रतों अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और आपरिग्रह से युक्त पांच प्रकार के आचारों ज्ञानाचार दर्शनाचार चरित्राचार वीर्याचार और तपाचार का पालन करने में समर्थ पांच समितियों ईरिया समिति भाषा समिति एशना समिति आदान भंडमत निक्षेपना समिति और उच्चार प्रश्रवण खेल जल मल सिंघान परिथापनी का समिति इन पांच समितियों और तीन गुप्तियों यानी मन वचन और काया इन तीनों योगों का निरोध करने वाला होना चाहिए। सच्चे गुरु को इन 36 गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसा गुरु ही जीवन का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है और उसे ही जीवन का कलाकार जीवन का निर्माता समझना चाहिए। वही गुरु पद का वास्तविक अधिकारी और मुस्तहक माना जा सकता है जिसमें ये गुण विद्यमान नहीं जो केवल वेशधारी ही बनकर रहते हैं, जिनके जीवन गुणों से शून्य उपबेत और रहित होते हैं, जो केवल वेशधारी बनकर रहते हैं और अपने भोले भाले श्रद्धालुओं की धर्म भावनाओं का शोषण करने में लगे रहते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि ही जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय और लक्ष्य बनकर रह जाता है, उन्हें गुरु नहीं बल्कि कुगुरु समझना चाहिए। वे स्वयं तो भटकते ही हैं, अपने साथ में अपने पीछे चलने वालों को भी कहीं का नहीं छोड़ते। इसीलिए तो कहा गया है, कन्या मन्या कुर तू चेला में गुर, नारियल रुपया धर चाहे डूब चाहे तर। ऐसे तथाकथित गुरु तो सिर्फ अपने शिष्यों के माध्यम से अपनी कामनाओं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। गुरु के कल्याण से गुरु को ऐसे शिष्यों के कल्याण से कोई भी मतलब और कोई प्रयोजन नहीं रहता और ऐसे गुरु को भला किस तरह और कैसे जीवन का निर्माता समझा जा सकता है।